भाई जब भी आप फेसबुक ऐड चलाने जा रहे हो, एक प्रॉब्लम सबको आ रही है, वो है कि जीएसटी नंबर। क्योंकि फेसबुक ऐड जो है वो मांग रहा है अभी जीएसटी नंबर, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी नया अकाउंट बनाओगे उसके अंदर भी करने जाओगे तो वहां पे आपको मांग रहा है जीएसटी नंबर। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, हमारे कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम वहां पे कैसे डालें। देखो अगर आपके पास है तो आप वही डालना है आपको, और अगर आपके पास नहीं है तो उसको क्या सोल्यूशन है मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते मोबाइल के स्क्रीन पे, एंड वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको जो अपना जीएसटी नंबर को फाइंड आउट करना है एंड किस तरीके से आप वहां पे उसको फिल कर सकते हो। बाकी वीडियो काफी हेल्पफुल है तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सिंपली हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ और ट्रिक बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपके पास जीएसटी है तो फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास है तो आप वही यूज़ करो, और अगर नहीं है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको जाना है क्रोम के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है जीएसटी नंबर, ठीक है। आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र सर्च करूँगा, जीएसटी नंबर महाराष्ट्र। जैसे हम सर्च करेंगे इसके अंदर हमें जो है कुछ दिखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी नंबर हमारे पास आ चुका है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये जो है ये जीएसटी नंबर है, ठीक है। अब वैसे सपोज मैं गुजरात से हूँ तो मैं यहाँ पे अगर गुजरात डालूंगा तो गुजरात का आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट का आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर और आगे सेलेक्ट करना है, आपको जो है मिल जाएगा, और उसी को आपको कॉपी करके वहाँ पर आप डाल सकते हो। बाकी यार ये ट्रिक ऐसे हेल्पफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिनको भी जीएसटी का प्रॉब्लम आ रहा है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच।